मैं ड्रग्स कर सकती हूँ। जूते खाने तो बता दे, ऐसा आएगी चप्पल घूमने। मजेदार सी पूरी तरकारी। और यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ खूब सारा एंजॉय, ये देखिए जबरदस्त वाली बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो अभी हम उठे हैं, थोड़ा जो है नाश्ता वाश्ता करेंगे, आज हमें बाहर भी जाना है, तो बाहर जाके भी आज हम आपके साथ व्लॉग बनाएंगे। और आज हमारा खाने का मूड हो रहा है हलवा पूरी, पर हलवा पूरी हम जो है घर में बनाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो हम आपको जो है आज थोड़ा मौसम भी दिखाते हैं। सुबह ही बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त मौसम चल रहा है और मज़ा आ रहा है, ये देखें। इस पानी से आपको पता चल रहा होगा कि कैसी बारिश हो रही है। तो माशाल्लाह से आजकल कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बारिश है, ठंडा, और बाज़ लोग कहते हैं कि ज़हमत भी है, पर एक तरीके से रहमत भी है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो हमा में रखे। जो बाहर जाते हैं बेचारे कमाने यानी निकलते हैं लोग रोज़ाना, उनको खैरों से अपने घर पे लेके आए, सब अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो हमा में रखे। तो जी अब हम आ गए हैं बिल्डिंग में नीचे, क्योंकि हल पूरी और तरकारी बनानी है, तो उसके लिए कुछ सामान लेना है। एकोरियम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सोचा इसके साथ थोड़ी वीडियो बना लूं। तो अब हम निकलते हैं, ये हम निकल गए हैं। मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र है, पानी भी खुश्क हो चुका है। और मेरा बेटा मेरे साथ है, पर वो कहता है मुझे कैमरे में मत ले, उसको बहुत शर्म आती। तो हम यहाँ पे बर्गर ले रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, वेदर बड़ा अच्छा चल रहा है, है। तो ये बस हमारे पर कर रेडी हो रहे, देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो बस सामान वामान लेके हम घर आ गए, हम ऊपर जा रहे हैं और बस अब खाना वाना बनाएंगे, तो चलते हैं डायरेक्टली। ये हमने ऊपर आके जल्दी से प्याज काटी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाना था, प्याज काट के फ्राई करने रखी। प्याज जब डाल हो गई तो उसमें हमने डाले टमाटर, और टमाटरों की हम छोले की तरकारी तैयार कर रहे हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें हमने 2-3 चम्मच धनिया डाला, 2 चम्मच लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करा, थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाला और ये हमने इसको भून रहे हैं हम अच्छी तरह। इसमें हमने दही भी डाल दिया, दही को थोड़ा पिघला दें क्योंकि मैं फ्रीज करके रखती हूँ दही को। अब ये दही बिल्कुल पिघल गया और मसाला भी अच्छी तरह भून गया क्योंकि ऑयल छोड़ दिया इसने अच्छा खासा। इधर हमने आलू काटे, अगर आपके पास छोटे आलू हों तो गोल गोल ले लीजिएगा। ये आलू की तरकारी बना रहे हैं हम, इसमें हमने पानी डाला, जीरा डाला, थोड़ी कुटी हुई मिर्चें, और जो है इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, कलौंजी, नमक, और इसको हम करते हैं बॉयल रखने। और इसमें जो है थोड़ा सा आप साबुत धनिया को कूट के डाल सकते हैं, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इधर हमने मैदा लिया, मैदे में ऑयल, नमक और सोडा डाल के पहले इसको अच्छी तरह मिक्स किया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून दिया। उसकी शक्ल कुछ इस तरह आ जानी चाहिए और साथ में मैदे की खुश्की रखी। तब हम बनाना शुरू करते हैं पूरियाँ, बताते हैं पूरियों कैसे बनती हैं। और बहुत सॉफ्ट बनती हैं, कड़क बिल्कुल भी नहीं बनती। ये हमने तलने के लिए डाल दी और आप दिखाते हैं ये हमारी मज़ेदार सी पूरियाँ। और इधर हमारा ये खाना रेडी हो गया है, ये आलू की तरकारी, यम्मी सी, ये छोले की तरकारी और ये पूरियाँ, और झटपट खाना और मज़ेदार सा खाना रेडी है खाने के लिए। मुझे तो लग रही है भूख, अब मिलते हैं खाने के बाद, तो वेट मी। तो गाइज यही है कि बस खाने वाने से फारिग हो गए हैं। कौन बच्ची बैठी है यहाँ पे? हेलो डोरा, ये देखे मेरी न्यू ये कैट। इस कैट को तो आपने देखा नहीं है, बहुत शर्मीली सी है, ये इधर उधर ही रहती है। इसका नाम है डोरा, मेरा बेबी है ये। कौन है यार ये? ऐसे बच्चे जैसी आवाज तो नहीं लग रही थी, कोई नहीं, मेरी जैसी आवाज लग रही थी। मैं तो वही छोटा सा एक बच्चा हूँ, पर काम करूंगा। परी परी दिखा दिया मैंने सबको, किसका मुँह कैसा हो चुका है, भंगी का, कोई साफ नहीं हुआ, गंदा बच्चा बन के आता है ये देखो, गंदा बच्चा। इसका मुंह साफ भी करो ना, फिर भी ये गंदा ही बच्चा रहेगा। इधर तो देखो शक्ल तो दिखा दो सबको अपनी, कितने प्यार हो के आए मट्टी में मुँह सड़ के। कहाँ गए थे हैं? कहाँ सड़ के आया मुँह अपना, नोज वाले बच्चे। इधर तो देखो, हाँ कहाँ गए थे आज, कहाँ इतना मुँह काला शाला करके। आप हाथ दिखा ना सबको, बोलना देखो ये देखो कितने हाथ गंदे करके आए हो अपने आज। आज मैं मट्टी में घुसा था, गंदा बच्चा।
मैं पूरी बारिश में भीग रही हूँ। बारिश बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो रही है और यहाँ पे हम बना रहे हैं मज़ेदार सा हलीम बन रहा था हमारे यहाँ पे, और टाइट वाली बारिश हो रही है। चले आके हम आपको दिखाते हैं बारिश, ठंडी ठंडी बारिश हो जाती। लाइट गई कराची, अंधेरे में डूब चुका है, पर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी लाइट आती रहती है। हम आपको दिखाते हैं आपको बारिश। जबरदस्त वाली बारिश हो रही है, खूब तेज। ये देखें कितना जबरदस्त लग रहा है ऐसा। और यहाँ पे मैं भी कह रही हूँ खूब सारा एंजॉय। ये देखें कितनी जबरदस्त वाली बारिश हो रही है, इतनी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी पानी आ रहा है। आई लव इट। किस किस क्या बारिश हो रही है जल्दी से मैसेज करो और मज़े मज़े कीजिए कराची। तो गाइज यही है कि बस खाने वाने से फारिग हो गए हैं, तो बस अब हम बैठेंगे। अम्मी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आपको मुझे उसके आंसर देने, सही है? मुझे आजकल ट्रेंड चल रहा है। जी वो हाँ जी पूछिए। मैं मूव आउट कर सकती हूँ, मतलब बाहर अकेले जाके रह सकती हूँ? नहीं, मेरे साथ कर्फ्यू, मतलब मेरा घर आने तक का टाइम कितना है? 10-12। मैं पार्टीज में जा सकती हूँ? जाती तो हो, बारबेक्यू में भी गई थी। मैं ड्रग्स कर सकती हूँ? जूते खाने तो बता दे, ऐसा आएगी चप्पल घूम। मैं कपड़े किस तरह के पहन सकती हूँ? जो दिल करे पहन सकती हूँ। मैं पियर्सिंग्स करवा सकती हूँ, जैसे नाक, आईब्रो, हर जगह? बस जितनी हुई है ना नाक और कान, उतने काफी, ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं स्मोकिंग कर सकती हूँ? इसका तो मत ही पूछो, मुझसे तो ज्यादा बेटर। अच्छा, टैटूस बनवा सकती हूँ? हमारे इस्लाम में जायज भी नहीं है टैटू वगैरह। हेयर डाई करवा सकती हूँ? हाँ वो करा दो। दोस्तों के घर स्लीप ओवर पर जा सकती हूँ? ना, सही जवाब मिलेगा फिर टाइट वाला। हाँ। तो ये हो गई उनसे बात है और वो भाग गई है। अब नहीं पूछेगी कभी आके मेरे पास सवाल के कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो बस गाइज इस ब्लॉग पे हम यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ कुछ लेके आएंगे। तो इसी तरह हम प्यार करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और नए देखने वाले जो भी हों मुझे सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। कहाँ जा रहे हैं? सब्सक्राइब तो बटन तो दबा दीजिए, अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज़ जल्दी करिए।